I got a funny feeling. सो हाई एवरी वन, वेलकम टू द चैनल। सो आज है नेक्स्ट डे और हमारा लास्ट डे है। रात को काफ़ी थक गया था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया। जब हम रात को अराउंड 12:15 के करीब नीचे पहुँचे हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर मार्केट में घूमने के लिए। क्या सो फाइनली आखिरी दिन हमारा जम्मू के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे कि योगेश गाड़ी चलाए अभी? योगेश आप गाड़ी चलाना चाहोगे? तो फिर आप ऐसे करो, अकेले चला लो जाके पहले खेतों में। लड़के को सिखा देंगे हम गाड़ी चलाना, क्योंकि इन्होंने अभी तक दिल्ली में ही चलाई है और पहली बार ये गाड़ी का आनंद लेते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी का। तो देखते हैं कि चला पाते हैं या नहीं। सो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट के बाद जाएंगे आगे। ठीक है सर, आगे का नहीं, ऊपर की ऊपर माता बुलाई तो जरूर जाएंगे। ये कितने ये है ना? सो ये हमारा होटल है यार, मैंने कल भी दिखाया था ये, इसमें हम रुके हैं द नेक्सस के अंदर। गूगल द नेक्सस, नेक्सस बिकम्स द गैंगस्टर्स नाउ। ओह ये मौज करते हैं। ये जो मैं अपनी तारीफ क्या करूं अपने मुंह से, ऊपर से नीचे आप देख ही सकते हो कितने रुपए का है। बारिश आई होगी। सो मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ओके वो उधर लेना था फ्रेशनर, कह रहे थे क्या कह रहे थे वो, तूने लॉक कर दिया ना रूम? नहीं नहीं तेरे को नहीं कर, इसको कर रहा ओ, हमारा सामान उसमें है ना। तो निकल चुके हैं सारे लौंडे जो तो जबरदस्ती ले आए हैं। ये तो मन मेरा बिल्कुल नहीं था वैसे, मैं टीवी सर की बात मैं कैसे मोड़ सकता हूँ? टीवी सर ने मोड़ा वो दिक्कत हो जाएगी। अब गाड़ी इनकी कल को रोप दिखाएगी उतर चल रस्ते में। खेतों में उतार दिया तो और पंगा, ना घर के ना घाट के। पैसा बहुत है तुम्हारे पास? हर चीज पैसे से कंपेयर मत करा करो। एक पैसा क्या है? हाथ की मैल योगेश, और हाथों की मैल देखो कहां कहां तक चढ़ी है योगेश के। बहुत अच्छे योगेश, वुड यू लाइक टू डू समथिंग? मे वन और टू फैंस? नथिंग। नहीं नहीं प्लीज आप बोलिए। ऑप्टिम ग्लोबल सॉल्यूशन के आप चमकते सितारे हैं। फीलिंग टायर? फीलिंग टायर क्या फीलिंग टायर? चलो यही से आपका, इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ये दर्शक मेरे थोड़े एजुकेटेड हैं। टायर को टायर कह रहे हो तो फिर चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए बस खड़ी है ट्रैवल पॉइंट। प्राइवेट बस में हम गाड़ी में हम तो गाड़ी में जाएंगे। और जम्मू की गलियों में निकल चुके हैं सारे लड़के। इट्स नॉट जम्मू, इट्स कटरा। कटरा सॉरी, तो कटरा को लद्दाख में आता है? ये तो जम्मू के अंडर ही आता है। कटरा रेसी में आता है, जम्मू में नहीं आता। ये क्या बात है, ये क्या बात है, हम तो मैप में देखते हैं वही आता है। ओ माय गॉड, माता वैष्णो देवी के पास। ओ ये सामने आप देख सकते हैं पर्वत ऊंचे ऊंचे। वाओ मेरे को तो मास्क का पूछेगा, मेरे को तो वॉमिट आ रही थी, थोड़ा सा उतार दिया उसके मुंह पे कर ले। दो चार डकार मार दो उसके मुंह पे। Finally. और अब पहुंच गए हैं हम कटरा की गलियों में, और यहाँ पे हम बेसिकली आए हैं क्या कहते हैं शॉपिंग के लिए। एक्चुअली प्रसाद वगैरह लेना था, इस वजह से यहाँ पे आए थे। तो हमने सोचा कि जाने से पहले प्रसाद वगैरह ले लें, फिर बस यहाँ से लेने के बाद हम निकलने ही वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट हम रेडी हैं, बस हमें बैग गाड़ी में डालने और यहाँ से निकल जाना है दिल्ली के लिए, क्योंकि बहुत लंबा रूट है, रात को भी हमें टाइम लग जाएगा। और फाइनली शॉपिंग करके हमारे रिच श्री तरुणप्रीत सिंह ग्रोवर 108 और एक बंदा वो आ रहा है हमारा पीछे। बहुत सही, ओह शॉपिंग हो चुकी है और सामान जा चुका है अंदर। So we are
हेडिंग। ओ योगेश बार डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। तो योगेश कितने पैसे दिए आपने मेरे को ये बताओ आप। ये खा लो ठीक ड्यूटी नहीं बेटे। कितने पैसे दिए आपने मेरे को ये बताइए आप। कितने बार पीछे 10 रुपए। बहुत अच्छे। तो 10 रुपए देने में भी आपने इतना टाइम लगा लिया। तो गाइस पैकिंग हो गई है, अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। अभी टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, 12:18, 12:18 भी हुए हैं और हम यहाँ से अब चेकआउट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे। हमें कल रात को, मैं इस वजह से यार ब्लॉग नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था मैं, बहुत मतलब पूरी हालत हो गई थी। रात को फिर आए गर्म पानी में अपने पैर वैर रखे और उसके बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं रिलीफ मिला, उसके बाद स्प्रे वगैरह लगाया, मूव वगैरह लगाई, तब जाके पैरों में थोड़ी जान सी आई थी। तो बहुत इतना टायर्ड मतलब होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम हेलीकॉप्टर से गए थे, एक तरफ तो हमने चढ़ाई करी नहीं, उसके बावजूद भी हम इतना टायर्ड हो गए थे ना कि आई कांट एक्सप्लेन। इस वजह से मैं रात को ब्लॉग नहीं कर पाया, मैं मतलब बहुत टायर्ड हो गया था। सो अभी बस 15-20 मिनट में मैं यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं होटल से, अब सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे। रात को मेरे ख्याल 12 बजे तक हमने आइडिया लगाया कि हम 12 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो बाहर रास्ते में देखते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ आपको दिखाने लायक तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा रास्ते में। और एक मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा यार, यहाँ पे बहुत चेंजेस हुए हैं ऊपर भवन पे, ठीक है। जैसे कि मैं कैपरी पहन के गया था ये वाली, और ये कैपरी इन्होंने अलाउ नहीं की, ठीक है। सो फाइनली घर जाते हुए और गाड़ी में बैठते हुए सारे, ओह चलो जी जय माता दी। ओह योगेश आर यू ओके ब्रो, ठीक महसूस कर रहे हो? टीबी सर बाय तो बोल। यो यो हनी सिंह, तो मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अभी हम हैं अम्बाला में और यहाँ से हमने सोचा कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि बहुत थक गए थे, काफ़ी किलोमीटर हमने खींच दिए थे जम्मू से यहाँ तक। बट अनफॉर्चुनेटली गाड़ी का सेंटर लॉक ख़राब हो गया और वो लॉक नहीं हो रही, वो दोनों कोई चेक कर रहे हैं, तो हम सारे अंदर नहीं जा सकते थे। इस वजह से हमने सोचा कि हम आगे अब मूर्थल में ही रुकेंगे। नहीं सो जाए कोई दिक्कत नहीं है आराम से। और रात के 2:30 बज रहे हैं, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो अभी क्या था कि मेट्रो वगैरह बंद थी, इस टाइम पे नहीं मिलती, तो सुबह हमने सोचा कि पहली मेट्रो लेके अपने घर पे निकलेंगे। तो हम टीपी सर के घर पर अभी आ गए, तो 2-3 घंटे हम यहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद फर्स्ट मेट्रो लेके अपने अपने घर निकल जाएंगे। सो मेट्रो फाइनली आ गई है, सो निकलने के लिए तैयार हैं यार, बहुत थक गए हैं, अपने घर में जाके सोएंगे आराम से। सो गाइस फाइनली आई रीच एट होम, और मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने घर पहुंचा हूँ। और यार बहुत थक गए, मतलब रात भर सोए नहीं पूरी रात, कल सुबह से जाग रहे हैं, पूरा दिन निकला है और पूरी रात निकली है। रात को हम अराउंड 1:30-2 बजे के करीब पहुँचे हैं टीपी सर के घर पे, फिर हम वहीं पे रुके, मेट्रो खुलने का वेट किया, तो 5:30 पे हम वहाँ से निकले, फिर पहली मेट्रो पकड़ के अपने घर। और अभी टाइम हुआ है 7:30, सो बैडली टायर्ड और बहुत ज़्यादा यार मेरे लेग्स में पेन है, मेरे थाइज में और मेरी लेग में बहुत पेन है इस टाइम पे। मेरे को नहीं पता कि इस बार इतना मैं कैसे टायर्ड हो गया, मतलब इतना तो मैंने चला भी नहीं हूँ, एक साइड हम हेलीकॉप्टर से गए उसके बावजूद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया। सो यही कहूँगा। और गाइस एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप में से कोई भी वैष्णो देवी जा रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 1, वहाँ पर ऊपर शॉर्ट्स या कैपरी कुछ मत पहन के जाइए, क्योंकि ऊपर अलाउ नहीं है। हमें ये नहीं पता था, ना हमें किसी वीडियो में, इससे पहले मैंने कई वीडियो देखी थी कि क्या क्या वहाँ पे मतलब आपको जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, जो क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, तो उस टाइम पे भी किसी ने इस चीज़ को अपनी वीडियो के अंदर नहीं मेंशन किया है, ठीक है। RT-PCR चाहिए कोविड का, 48 आवर्स पुराना होना चाहिए। और नंबर 2, जो मेन चीज़ है, ऊपर शॉर्ट्स या कैपरी पहन के मत जाना, क्योंकि ऊपर वो रोक रहे हैं। हम पूरा रास्ता चले गए, कोई अनाउंसमेंट मैंने नहीं सुनी, जब हम बिल्कुल फ़ोन वगैरह देकर भवन के अंदर एंटर करने लगे, तब वहाँ पे जो गार्ड था उसने
मुझे रोक लिया बेसिकली, मैंने कैपरी पहनी हुई थी तो उसने मेरे को बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो अब उस टाइम पे ऐसी मतलब ऐसी पोजीशन थी कि ना तो हम कुछ ले कैरी कर रहे थे और कोई भी गारमेंट्स नहीं लेके गए थे साथ में, क्योंकि सेम डे में वापस आना था तो कोई सेंस नहीं बैठती साथ में कपड़े कैरी करना। सो अब परेशान तो हो गए कि यार मतलब इतनी दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं हम लोग, और इतना पूरा दिन लगा के पहले हेलीकॉप्टर का वेट वगैरह करके फिर दिल्ली के सॉरी ऊपर कटरा में भवन पे आए हैं, और उसके बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते बिकॉज क्योंकि मैंने कैपरी पहनी हुई है। मुझे नहीं पता ये पहले रूल नहीं था, ये शायद अभी रूल आया है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना नहीं ना कोई अपनी वीडियो में इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि मतलब इतना मेजर प्रॉब्लम है कैपरी पहन के ऊपर जाना। तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ी रिक्वेस्ट वगैरह करी उनको, तो तब जाके थोड़ा मतलब उन्होंने अलाउ क्या किया, हम गार्ड ने हमें बोल दिया चलो ठीक है चले जाओ, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। सो जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है आप वो प्रॉब्लम फेस ना करें। प्लीज़ याद रखिए कि शॉर्ट्स या कैपरी पहनकर ऊपर दर्शन के लिए मत जाइए, या तो ऊपर जाके चेंज कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है। ऊपर जाके कोई शॉप मिलती नहीं है, और बंदा जो कैपरी पहन के गया हो या निक्कर वगैरह पहन के गया हो वहाँ जाके फिर फंस जाता है कि इतनी दूर से आए हैं सिर्फ एक कैपरी की वजह से हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, फिर वहाँ बहस वगैरह करो उनसे तो वो चीज़ मतलब अच्छा ही नहीं लगती। इतनी दूर गए हो फिर वहाँ जाके मूड ख़राब हो जाता है एकदम, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, और एक RT-PCR जो मेन लखनपुर में चेक होता है, ये दो ही चीज़ें हैं मेन जिसका आप ध्यान रखना। बाकी तो मैंने कोविड में ऐसा कुछ नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिकनेस है किसी चीज़ की या कुछ है, बहुत आराम से हम लोग जा रहे थे। 5 बजे के बाद ट्रॉली बंद हो जाती है वहाँ पे जो भवन से भैरव बाबा तक जाती है, ठीक है। तो बस मेरे को यही चीज़ मेंशन करनी थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपने यहाँ तक ये सारे ब्लॉग्स इन्जॉय किए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ।